वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी ऋगेश सेन ने दलबल के साथ शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिले से पहले महारैली निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उनका समर्थन करने पहुंचे। वहीं इस पूरी रैली में छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी वैशाली नगर विधानसभा से बनाया है और पार्टी ने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता भी विश्वास किया है और मेरे भी फर्ज बनता हूँ। वैशाली नगर की जनता जिस प्रकार से आज नामांकन रैली में थी, ऐसा लग रहा था कि नामांकन रैली नहीं बल्कि कोई विजय जुलूस है। तो यहाँ की जनता ने ये स्पष्ट संदेश प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया है कि हम 51,000 पार के लीग से ये चुनाव वैशाली नगर का जीत रहे हैं। तो आप जीत गए तो चुनाव की जरूरत ही नहीं है फिर? बिल्कुल, जो प्रक्रिया है उसको करना पड़ता है और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। आज जो अपार भीड़, मैंने कल एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था, मेरे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, मैं एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ, मैं कोई मुख्यमंत्री का दामाद नहीं हूँ। मुख्यमंत्री के दामाद संचालक की भूमिका में क्षेत्र चंद्राकर जी, वहाँ पे वासुदेव चंद्राकर जी का पूरा परिवार, उनके बेटे जो है लक्ष्मण चंद्राकर जी, उनके दामाद है मुकेश चंद्राकर जी और जो मुख्यमंत्री जी के जो सुपुत्र हैं बिट्टू, उनका मैं 3 दिन से बैठे हुए हैं वहाँ के लोगों को मैनेज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरी जो लड़ाई है वो लड़ाई, मुझे ऐसा लगता है पाटन में तो विजय बघेल जी और भूपेश बघेल जी अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे तो पूरे परिवार से लड़ना पड़ रहा है। उस चक्रव्यूह में चारों तरफ से इन्होंने घेरा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ जो अभिमन्यु बन के चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। इसलिए हो चुका है भाइयों, क्योंकि भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे परिवार लग चुके हैं, जो उनके सगे दामाद है क्षितिज चंद्राकर जी वो चुनाव के संचालन कर रहे हैं, जो उनके बेटे हैं बिट्टू वो कोहका में आज 3 दिनों से बैठे हुए हैं, वहाँ की स्थिति को संभाले हुए हैं। भूपेश बघेल जी 45 प्रत्याशियों को बुलाए थे जो दावेदार थे, उन्होंने कहा भूपेश बघेल जी ने, मैं नाक का सवाल है कैसे भी वैशाली नगर सीट चाहिए। भूपेश बघेल जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वासुदेव चंद्राकर जी, उनके जो बेटे हैं लक्ष्मण चंद्राकर जी, उनके सगे दामाद है आपके मुकेश चंद्राकर जी, तो पूरा परिवार पाटन में तो विजय बघेल जी और भूपेश अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे परिवार ने मुझे चक्रव्यूह में घेर लिया है, लेकिन मैं भी अभिमन्यु हूँ भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। मात्र शक्तियों को कल मेरे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं भीड़ बुलाने के लिए कोई पैसे खर्च करूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो कल बनाया शाम को और मैंने कहा मेरी बहनों, आपका भाई चुनाव के मैदान में है, कल नामांकन भरने जा रहा है, आप लोग राखियाँ बांधते हैं, एक बार इसे नामांकन रैली में आ जाइए, अपना भाई का फ़र्ज अदा कर दो, बहन होने का फ़र्ज अदा कर दो। हुजूम उमड़ पड़ा, ऐसा लगा कि जैसे वैशाली नगर की जनता ये चुनाव लड़ रही है, विकेश चुनाव नहीं लड़ रहा है।